नमस्कार दर्शकों, जय हिंद ज्ञान मुद्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बहुत अप्रिसिएट कर रहे हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो या फिर एक यल्डर सिस्टर के रूप में हो या फिर कोई बेटी बोलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके एक वीडियो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो भी आपने कमेंट्स में लिखी हुई हैं, अगर मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें सबकी प्रॉब्लम्स का आंसर मैं दूँगी। ये काम मैं जल्दी ही करूँगी। चलिए, आज मैं लेकर के आई हूँ आपकी डिमांड के अनुसार, छोटा ऊ एवं बड़े ऊ में क्या अंतर होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि छोटा ऊ और बड़े ऊ में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये लगता कहाँ है और किस में कहाँ पर लगता है। देखिए, सभी वर्णों में जिसमें अ की ध्वनि वाले वर्ण होते हैं, जो आ की ध्वनि में ऊ कभी नहीं लगेगा, ई की ध्वनि में ऊ कभी नहीं लगेगा, अ की ध्वनि, क्योंकि मैंने इससे एक वीडियो इससे पहले आपको प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने मात्राओं का, आप देखिएगा, बहुत डिटेल दे रखा है कि उसमें से एक क्वेश्चन आपके स्कूलिंग लेवल में तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा ही आएगा। और अगर आप क्लास थर्ड से लेकर के IAS तक की अगर कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग को छोड़ दीजिए, आप जो है मात्राओं वाला वीडियो देखिए। अगर हिंदी के लिए आप मात्राओं के लिए कोचिंग जाते हैं तो मात्राओं के लिए कोचिंग मत जाइए, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने इतना डीप दिया हुआ है कि हमारी जीभ का कौन सा भाग कौन सी ध्वनि निकालने में सहायक है, ये भी बताया है, आप देख लीजिए। अब मैं वही चीज़ इसमें भी बता रही हूँ कि अ की मात्रा की ध्वनि वाले वर्ण के पद में लगता है, कहाँ पर लगेगा, पद में। जैसे हमने कौ लिखा तो कौ का पद कहाँ है, कौ का पद ये है, तो इसमें जो है छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ये कौ के पद में हमने लगा दी तो कु बन गया, कु। और किसको छोड़ करके, रौ को छोड़ करके। अब रौ को छोड़ करके क्यों लगती है, क्योंकि रौ में हम मात्रा कहाँ लगाते हैं छोटे ऊ की, ये यहाँ से मात्रा नहीं लगाइएगा, रॉन्ग, कभी भी किसी में भी कर्स से मात्रा मत लगाइएगा। ये जो यहाँ पर जो है कर्व पड़ता है, ये चाहे अ का कर्व हो चाहे रौ का कर्व हो, यहाँ से इस ग्रोब से कभी भी मात्रा नहीं पड़ती है। रौ में अगर आप छोटे ऊ की मात्रा देंगे तो रौ के ऊपर जाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए तो छोटा रू बन जाता है। क्लियर आ गया ना सबको? अब उदाहरण ध्यान दीजिए, उदाहरण मैंने रौ के उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, अभी मैं ले जाऊंगी आपको। जैसे कुसुम है, मधुर है, धुन, सुनील, सुबह, हुई। और दूसरी चीज़, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण दोनों होठों के बीच, मैंने उस मात्राओं वाले वीडियो में भी बताया आपको, वो दोनों होठों के बीच, जैसे ये होठ हो गया हमारा, ये नीचे का होठ हो गया, ये ऊपर का होठ हो गया, ये जो ये ध्वनि निकलती है होठों के बीच, इसको ओष्ठ बोलते हैं। जैसे ये हो गया ऊपर नीचे का होंठ हो गया, तो इसको ओष्ठ बोलते हैं, जो बीच की जगह होती है, ये बीच की जगह जो होती है इसको ओष्ठ बोलते हैं। तो ऊ की ध्वनि कहाँ निकलती है, दोनों होंठों के बीच ओष्ठ से निकलती है। अब ओष्ठ क्या होता है ये मत पूछिएगा मुझसे, मैंने पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ। और अब जीभ का कौन सा भाग इसमें सहायक होता है, देखिए उच्चारण में जीभ का, जो हमारी जीभ होती है, जीभ का अग्रभाग सहायक होता है। आप वैसे भी बोलिए तो ऊ मेरे साथ छोटा ऊ बोलिए, जैसे हम बोलते कुसुम,
तो ये जीभ का हमारा जो अग्रभाग होता है, ये जीभ हो गई हमारी, ये अग्रभाग हम इसमें सहायक होता है। क्लियर हो गया? देखिए अब जैसे कुसुम, और दूसरी चीज़ बता रही हूँ, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे कुसुम मधुर, हम बोलते हैं मधुर, तो दोनों होठों के बीच से हवा निकलेगी मधुर, और जीभ का आगे का पोर्शन काम करेगा, सहायक होगा उसमें। देखिए कुसुम मधुर, धुन सुना, सुनील सुवह हुई, मधुर गीत गुनगुना। अब हमने कहा ना गुनगुना, सुमन चुटकुला सुना। अब हमने ये नहीं बोला सुमन चुटकुला सुना, नहीं बोला ना। देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे कि ये छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, बिल्कुल कहीं पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए ये छोटे ऊ की बात हो गई, एक तो कम समय लगता है, और दूसरा होंठों ओष्ठ के बीच से जो है दोनों उच्चारण होता है, और किसी भी रॉ को छोड़ करके किसी भी अ की ध्वनि वाले वर्ण के पद में लगता है। जैसे क ख, अ की ध्वनि, मतलब अ की ध्वनि से ही तो व्यंजन पूरे होते हैं, मैंने सिखाया है। अब देखिए बड़ाऊ, अब सबसे पहले मात्रा लगाने का तरीका क्या है बड़ाऊ। अब अमूमन सभी लोग जो हिंदी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बड़ाऊ में क्या लगाते हैं, ये हो गया बड़ाऊ। नहीं, सबसे पहले मैंने बड़ाऊ भी लिखना सिखाया है, छोटा पहला भाग छोटा, दूसरा हल्का सा बड़ा, और दूसरे यहाँ से यहाँ तक लाइए, और इस कर्ब से, इस ग्रोव से कभी भी मात्रा नहीं निकलती है, जो भी ग्रोव वाले होते हैं साइड से मात्रा निकलती है। ये हमारी मात्रा लगा दी, ये मात्रा लगा दी हूँ कि अब देखिए, अब हम बड़ा ओ कहाँ पर लगता है, किसी भी ओ की ध्वनि वाले वर्ण के पद में लगता है। अब पद क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया, रॉ को छोड़ करके। अब रॉ में कैसे लगेगा ये देखते हैं, रॉ को छोड़ करके किसी भी, जैसे रॉ को भी, रॉ में भी तो ओ आ रहा है, लेकिन रॉ में बड़ा ऊ देखिए यहाँ से लगेगा, ये रॉ बना दिया। अब इस ग्रोव से, जो ये ग्रोव बना हुआ है उससे कोई भी मात्रा नहीं लगती है, फिर कह रही हूँ ये 1 2 3, ये बड़ा रू हो गया है, छोटा रू। छोटा रू में 1 2 3 कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, और ऐसा रू कभी मत लिखिए, छोटा रू नहीं, रॉन्ग, मैंने बताया है अभी डिटेल में। देखिए ऐसा रू कभी भी मत लिखिएगा, ये रॉन्ग होता है। देखिए 1, ये रॉ लिखा 1 2 3 रू, और ये छोटा रू, ये बड़ा रू आ गया। देखिए अब उसके बाद, अब इसके उच्चारण में भी जीभ का अग्रभाग ही सहायक होता है। छोटे ऊ और बड़े ऊ के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ही सहायक होता है, और उच्चारण में अधिक समय लगता है। छोटे ऊ के उच्चारण में कम समय लगता है, बड़े ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। अब बड़े ऊ वाले शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे भालू लगाना ज्यादा, झूम झूम कर नाच, भालू झूम झूम कर नाच, आलू कचालू अमरूद। देखिए मैंने बड़ा रू लगा रखा है, इस कर्व से नहीं ऊपर से लगाया है, रूद अमरूद काट। अब अंतर देखते हैं हम, जैसे ये लिखा हमने कुसुम, अगर हम इस कुसुम को ऐसे कुसुम लिखे तो खुद हमारे एनालाइज, हमारा माइंड बता देता है एनालाइज करके कि ये कुसुम गलत है और ये कुसुम सही है। जैसे हमने बोला मधुर, कम समय लगा, अब हमने यहाँ पर क्या बोला, मधुर मधुर, नहीं कभी मधुर नहीं होता है, ये एनालाइज करके हमें खुद एनालाइजेशन आ जाता है। अब आलू देखिए, जब हम आलू बोलते हैं तो हम बच्चों को बचपन से बताइए कि आलू भालू कचालू, इसमें सब में बड़े ऊ की मात्रा, और धीरे धीरे इतना परफेक्शन आ जाता है कि हमें खुद पता लग जाता है कि ये आलू ऐसा नहीं होता है, ये आलू गलत है, ये आलू सही है। शुभ शुभ ऐसा होता है, शुभ नहीं होता है, ये रॉन्ग है, शुभ। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए, अब महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे रॉ में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इस कर्व से कभी मत लगाइए, राइटिंग खराब होने का सबसे बड़ा कारण। ठीक,
और ऐसा रू भी मत बताइए, ये पद में कभी नहीं, रौ के पद में छोटा ऊ बड़ा ऊ कभी नहीं लगता है, रौ के साइड में लगता है। अब रौ में बड़े ऊ की मात्रा, जैसे रूप हम बोलेंगे तो ये कभी मत लगाइएगा, ये रॉन्ग होता है। जैसे अब हमने कहा रुख मज्जा, रुख मज्जा, धीरे कम समय लगा। अब हमने हम किसी से ऐसा नहीं बोलेंगे रू का मज्जा, नहीं, रॉन्ग। अब ऐसे ही हम कहेंगे कि वह महिला बहुत रूपवान है, ठीक है। तो जैसे हम रूप कहेंगे, रूप कहेंगे तो रूप में रूपवान नहीं कहेंगे या रूप नहीं कहेंगे, जैसे उसका रूप सुंदर है, रूप रूप। ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, ज़्यादा आ रही है आवाज़, ये मतलब उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है। वैसे ही जो है ये छोटे ऊ में उच्चारण में कम समय लगता है, बड़े ऊ में उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसका आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।